इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बन गई है। दरअसल 1983 बैच की आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं प्रीति सूदन, साथ ही पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी प्रीति सूदन रह चुकी हैं। मैं आपको बता दें कि कल यानी 1 अगस्त को वो अपना कार्यकाल संभालेंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 महीने पहले ही मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। व्यक्तिगत वजहों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बन गई है। दरअसल 1983 बैच की आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं प्रीति सूदन, साथ ही पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी प्रीति सूदन रह चुकी हैं। मैं आपको बता दें कि कल यानी 1 अगस्त को वो अपना कार्यकाल संभालेंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 महीने पहले ही मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। व्यक्तिगत वजहों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था।